sé cuándo es Argentina. हर हर महादेव, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम किन्नर कैलाश महादेव जी की यात्रा के लिए आए थे और कल शाम को हम यहाँ पहुँच गए थे। कल शाम को हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था क्योंकि 200 लोग पूरे हो चुके थे, क्योंकि एक दिन में 200 लोग ही यहाँ से जा सकते हैं, इसलिए हमारा रजिस्ट्रेशन कल नहीं हो पाया। लेकिन फिर शाम को कमेटी मेंबर्स ने हमें बुलाया और बताया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप लोग चले जाओ। तो अब हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 5 और हम तंगलिंग गांव से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं लोगों की अपनी टीम आगे जा रही है, अपने ग्रुप के 15 लोगों का हमारा ग्रुप है। तो चलिए यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और आप भी बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में। हर हर महादेव। तो ये है तंगलिंग विलेज जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था नीचे जाके, और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और ये अपने बाकी भाई लोग साथ में चल रहे हैं, तो पसीने तो अपने यहीं छूट चुके हैं। बाकी चलिए चलते रहते हैं धीरे धीरे। अरे कुंड में आओ ना बाबा, इधर आके। हाँ मामा ने लाएंगे। ये बाबा जी का स्नान करवा रहे हैं जी हमने। वाह बहुत बढ़िया। तो अभी हम यहाँ पर आराम करने के लिए रुके थे और हमने अपनी पानी वगैरह की बोतल भी यहीं से भर ली, क्योंकि अब यहाँ के बाद आगे कहीं भी पानी नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर लास्ट जगह है जो पानी मिल रहा है, इसके बाद ऊपर तक कहीं भी पानी नहीं मिलेगा, इसलिए अपना अपना पानी यहीं से सबको ले जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं आशिकी बाग, आप देख सकते हैं। और इस जगह को आशिकी बाग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 प्रेमियों ने अपनी जान दे दी थी, तब से यहाँ का नाम आशिकी बाग पड़ गया। ये हमारे चाचा जी हैं, गाइड करेंगे, हमारे यात्रा के गाइड हैं। सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। मेरा बंदा है चंबे का बंदा, नहीं तो तंगलिंग विलेज से बहुत ऊपर आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल नीचे तंगलिंग दिखाई दे रहा है और हम इतने ऊपर पहुंच चुके हैं और रास्ता आप देख सकते हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और चल रहे हैं धीरे धीरे। कुछ लोग आगे भी निकल चुके हैं। चलिए चलते हैं। हाँ जी अशोक भाई, क्या विचार है आपके किन्नर कैलाश की यात्रा के बारे में? जो लोग आना चाह रहे हैं उनको क्या राय देंगे आप? हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, ये वही अशोक भाई है जिन्होंने चूड़धार के जंगल में बैग गुम किया था। अब इस बार तो पता नहीं अब ये क्या गुम करते हैं किन्नर कैलाश की यात्रा में। और हमारे बाकी साथी ऊपर निकल चुके हैं, कुछ नीचे से आ रहे हैं।
और आज मौसम बहुत अच्छा है, ज़्यादा धूप भी नहीं है ना बारिश हो रही है, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप भी तेज़ हो तब भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज ठीक है, थोड़ा मतलब नॉर्मल है। हम पहुंचने वाले हैं गणेश टॉप, और आप देख सकते हैं जो ये ऊपर टेंट्स लगे हैं वहाँ पर ही गणेश टॉप है। थोड़ा ही रास्ता रह गया है और आज नाइट का स्टे हमारा वहीं पर होगा, तो चलिए चलते हैं और पहुँचते हैं जल्दी से ऊपर। तो फाइनली हम गणेश पार्क में पहुँच चुके हैं। गणेश बाग में आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बार बहुत सारे टेंट्स लगे हैं। खाने पीने रहने की यहाँ पर पूरी फैसिलिटी है, तो आप आराम से आ सकते हैं बिना टेंशन के। तो और इस बार यहाँ पर स्टे गणेश बाग में ही करना पड़ेगा आपको नाइट स्टे, क्योंकि यहाँ से ऊपर आप कहीं भी नहीं रुक सकते, यहीं रुकना पड़ेगा। और यहाँ से सुबह आपको जाना पड़ेगा और दर्शन करके वापस यहीं आना पड़ेगा। तो ये अपनी बाकी टीम पीछे पीछे चल रही है। ये है गणेश पार्क, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे टेंट्स लगे हैं, और नीचे इस साइड भी टेंट्स लगे हैं और इधर भी टेंट लगे हैं। और इस साइड में यहाँ पर एंट्री हो रही है, जो नीचे से आपको टोकन मिलता है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। ये तो हम लोगों के साथ है जी, ये दो, ये तीन, ये भी हमारे साथ। हाँ जी, हाँ जी, कागज इनके पास है? हाँ जी, हाँ इनके पास। आओ बैठो यहाँ। तो अभी हमारे को रुकने के लिए वहाँ नीचे कमरा दिया गया है, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए तो अभी मना कर रहे हैं। और सुबह 1 बजे से 6 बजे के बीच में छोड़ा जाएगा, तब तक हम यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। बाकी अभी देखते हैं, बात करते हैं क्या होता है, तब तक थोड़ा आराम करते हैं और वहाँ चलते हैं। तो शाम हो चुकी है फ्रेंड्स, और अभी भी हम गणेश पार्क में ही रुके हैं, क्योंकि सुबह यहाँ से 1 बजे हमारे को छोड़ा जाएगा, और अभी जाने नहीं दे रहे थे, सब लोगों को यहीं पर रोक दिया गया था। तो सुबह 1 बजे यहाँ से छोड़ेंगे, 1 बजे से 6 बजे तक, तो तब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा यहीं रुककर। और हम यहाँ दोपहर में पहुँच चुके थे वैसे तो 2-3 बजे, बाकी अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो थोड़ा हमने आराम भी किया, थोड़ा रेस्ट कर लिया वहाँ पर हम रुके थे, और आप देख सकते हैं कि इस बार व्यवस्था कितनी अच्छी की गई है। ये रात को जब 1 बजे लोगों को छोड़ा जाएगा तो पूरे ट्रैक में लाइट्स लगी है, ऊपर तक लाइट लगाई गई है ताकि रात को किसी को आने जाने में दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए ये पूरे ट्रैक में ऊपर तक लाइटें लगाई गई है। और बाकी टेंट्स वगैरह भी, रहने की सारी फैसिलिटियाँ इस बार बहुत अच्छी है। तो अगर आप भी आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप बिल्कुल, इस बार बहुत अच्छी यात्रा है और बहुत लोग इस बार यात्रा में आए हैं बहुत दूर दूर से। तो बाकी मिलते हैं, अब आपको मिलते हैं 1 बजे जब हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे। बाकी तब तक के लिए जय श्री राम। फ्रेंड्स, रात का 1 बज चुका है और अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं।
चलिए चलते हैं, अंधेरे के कारण विजिबिलिटी कम है तो वीडियो कम ही बनाऊंगा। मिलते हैं अगले स्टेप पे, चलिए चलते हैं। आप सभी को सुबह की राम राम, हर हर महादेव। तो कल आपने देखा था कि हम गणेश बाग पहुंच चुके थे और कल रात को हमें वहीं रुकना पड़ गया था। तो आज हम वहां से चले हैं, सुबह 1-2 बजे के आसपास हमें वहां से छोड़ दिया गया था। तो अंधेरा होने के कारण अभी तक के ट्रैक का तो हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब थोड़ा मौसम खुल चुका है और अब आपको दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं और यात्रा अपनी जारी रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ब्रह्म कमल। ठीक है बाबा, बहुत बढ़िया। सीताराम, जय सीताराम। सीताराम, सुबह की सीताराम होगी सबके लिए। तो अभी हम पहुंचे हैं पार्वती कुंड और सामने आप देख सकते हो हल्की हल्की बर्फ भी दिखने लग गई है, छोटे छोटे ग्लेशियर बर्फ के। और हमें इस साइड पे जाना है अभी ऊपर को। बम महादेव, बम राम से। तो अब हमको चढ़ना है ये वाला स्टेप, सीधा ऊपर जाना है। और आप देख सकते हैं कहाँ से बंदे आ रहे हैं। ये सबसे टफ स्टेप है बिल्कुल। जितने भी हम ऊपर ऊपर को जा रहे हैं उतना ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है थोड़ी। और आप देख सकते हैं कि ये चढ़ाई अभी तो आधी भी नहीं कर पाए हम। और हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे, हमारे को वहाँ से सीधा इस ओर जाना था और हम ऊपर चढ़ाए और अब दोबारा वापस नीचे उतरना पड़ेगा। और रास्ता आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक है। हाँ बाबा, कहाँ जा रहे हो बाबा? अच्छा, कहाँ से आए हो? बड़ोग से, बड़गोरे पांडे हो? अच्छा, पिंठ दे अंडे। टफ टफ। हाँ बाबा, चलो टिड्डे हो गए बंदे। चलो दबके फट से। कमल भैया अपने थोड़े पीछे रहे। चढ़ जाओ। और इधर से ऊपर होके अभी हमको जाना है। हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा, ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। कैसी हो रही है यात्रा? बहुत अच्छी, बहुत आनंद आ रहा है। सीताराम, आनंद आ रहा है यात्रा का? बहुत आनंद। ये भाई साहब तो कुछ बहुत ही ज्यादा आनंद ले रहे हैं। दादा सुते हैं? हैं कुपुर मार्चेंगे। ऊपर कहाँ जाएंगे? ऊपर तो ऊपर ही जाना पड़ना। क्यों वापस जाना है? नीचे जाने की सोच रहे? तो
धीरे धीरे हम इस चढ़ाई को क्रॉस कर रहे हैं। हम तो आधी हो चुकी है लगभग, थोड़ी बहुत और बाकी रहती है। हम तो हालत भी ख़राब हो गई है। कुछ साथी हमारे बहुत थक चुके हैं, जवाब दे चुके हैं ये हम। तो यहाँ पर हमें इन पत्थरों के नीचे से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एरोज लगे हैं वो इसी और डायरेक्शन बता रहे हैं। और आपको भी इन और एरोज को ही फॉलो करना है पूरी यात्रा में, ये एरोज ही आपको रास्ता बताएंगे। फंस तो नहीं जाएंगे इस छेद में, फंस तो नहीं जाएंगे। और तो रास्ता भी कहीं नहीं है, कैसे जाएंगे यार, सो के जाना पड़ेगा यहाँ तो। दादा डंडा फेंकता हूँ पहले आगे, और वापस आगे कहाँ दिख रहे हो ऊपर? अच्छा ये जो उतर है आगे फेंको बैग, नहीं गिरेगा, नहीं गिरता। दिखाते हैं एक बार। तो हम ये पूरा रास्ता नीचे से ऊपर चढ़ के आए हैं, और अभी हमें ऊपर चलना है। कुछ साथी हमारे बहुत पीछे रह चुके हैं, अब इनको यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, इतना गैप हो गया है हमारे बीच। और चलिए चलते हैं धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर, अब तो कुछ ही देर का इंतज़ार है। हाय, तो फाइनली हम थोड़े ऊपर आके टॉप में पहुंच गए, और अभी हमें इतना ऊपर और चढ़ना है। और आप देख सकते हैं, ये चेक करो एक बार, अगर कोई बंदा यहाँ से गया तो क्या। आराम कर लो थोड़ी देर, मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ऊपर जितना हम जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल उतना ही लो होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी कड़ी चढ़ाई है। तो महादेव से अब थोड़ी ही दूरी पर है, और अब तो एक एक कदम 100 कदम के बराबर लग रहा है। और आप देख सकते हैं भारी चेक कर रहा हूँ, पूरा ये चढ़ के ऊपर टॉप में जाना है।
थोड़ी ही दूरी पे महादेव जी है और बस पहुंचने वाले हैं। बाकी मेरे टीम के जितने भी मेंबर थे, 14 के 14 साथी, सारे पीछे रह चुके हैं और हमको आने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और ये लास्ट में रास्ता भी बहुत टफ है, एक एक कदम सोच समझ कर रखना होगा, नहीं तो छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। हो गए दर्शन, यहाँ पर रास्ता थोड़ा डेंजर है इसलिए रस्सी भी लगाई गई है, रस्सी का यूज आप कर सकते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। और अब महादेव जी के भी दर्शन बिल्कुल हो रहे हैं। हम लोगों का वजह से तो हम लोग अभी तो ऐसे टाइम पे पहुंच पाया नहीं था, नहीं तो मेरा भी ऐसे हाल होता। तो भैया फाइनली जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था आपको भी और मुझे भी, महादेव के दर्शन करने का, तो बिल्कुल हम महादेव के पास पहुंच चुके हैं और बहुत ही अद्भुत शानदार नज़ारा है महादेव के आसपास का। थोड़ा सा धुंध के कारण विजिबिलिटी आज कम है, नहीं तो नज़ारा और भी शानदार होता अगर धुंध ना होती। चलो थोड़ी देर रुकते, अगर धुंध हटती है तो फिर आपको दिखाएंगे। बाकी थोड़ी पूजा आरती करेंगे महाराज की, अभी तो रश बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर वेट करते हैं उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों सुबह चले थे हम गणेश पार्क से और सुबह 1-2 बजे के आसपास, और अभी हम महादेव के पास पहुंच चुके हैं। तो शाम मतलब सुबह से जो 1 बजे से सुबह 6-7 बजे तक का वीडियो है वो तो मैं नहीं बना पाया क्योंकि उस टाइम अंधेरा था, विजिबिलिटी बिल्कुल लो थी, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। तो बीच में कुछ थोड़ा मिस भी हो चुका है थोड़ा सा ट्रैक, तो आप चिंता मत कीजिए, आप वीडियो में बने रहिए। वापस जाते समय वो पूरा ट्रैक जितना भी मिसिंग था, जिस जगह हम अंधेरे में मतलब ऊपर को आए वो पूरा कवर करेंगे जाते हुए। और बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि अगर एक व्लॉग ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक यहाँ तक का आने का और एक यहाँ से वापस जाने का। तो जाने वाले व्लॉग को भी यहाँ से मिस मत करिए आप, क्योंकि जो ट्रैक आने वाले में मिस हो गया था जिसमें हम रात को सफ़र करा हमने 1 बजे से सुबह 6-7 बजे के बीच, तो उसको भी दिखाएंगे। और सबसे मुश्किल टास्क है मतलब कि चढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है उतरना, चढ़ना इतना टफ नहीं है जितना उतरना और ज़्यादा टफ है। तो अब यही हमारा नेक्स्ट टास्क है, तो बने रहिए अभी हमारे साथ यात्रा में। हर हर महादेव। तो मिलते हैं आपसे, अगर मौसम खुलता है तो हम आपको आर पार का भी थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे। बाकी अभी तो यहाँ पर आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया है क्योंकि धूप ही इतनी तेज़ चमक रही है कि आंखें खोल नहीं पा रहे। ठीक है, तब तक के लिए हर हर महादेव, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओह माय गॉड, अमन कहाँ गया, बोलो फोटो लियो, चल चल ओ माय गॉड।
ओ अमन अमन तो थोड़ी पूजा आरती कर लेते हैं और महादेव के हमने दर्शन करते हैं, आप भी करिए और उसके बाद मिलते हैं। फिर रश ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टाइम नहीं लग पाएगा इसकी टाइम से। पता क्या अरे तो पूजा पाठ हमारी हो गई थी और अब थोड़ी देर रुकते हैं और फिर वापस भी जाना है आज, क्योंकि हमारे को वापस लास्ट नीचे जाना है जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट करी थी। तो आज सावन की वैसे शिवरात्रि भी थी, तो आप सभी को सावन की शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करे। और आज बहुत अच्छा अवसर था भोलेनाथ के दर्शन का, तो बस चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो कुछ इस प्रकार का नज़ारा है महादेव की नगरी का और आप देख सकते हैं कि कितने लोग अपना श्रद्धा भाव लेकर यहाँ आते हैं। हर हर तो भैया इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, दो पार्ट में अब यहाँ से नीचे जाने वाला अलग पार्ट बनेगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हर हर महादेव। तो चलिए चलते हैं और यहाँ से अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमारे को आज लास्ट पॉइंट तक नीचे पहुँचना है जहाँ से हम उस दिन चढ़े थे तांगलिंग विलेज तक। तो अब देरी ना करते हुए चलते हैं और आप वीडियो में बने रहिए और सफ़र का आनंद लीजिए। तो चलिए चलते हैं अब नीचे की ओर उतरते हैं। महादेव ने चाह तो फिर आएंगे और अब हमें इधर से ही वापस जाना है जहाँ से हम ऊपर आए थे। तो ट्रैक थोड़ा डेंजर है इसलिए थोड़ा चलने पे फोकस करना पड़ेगा और वीडियो पे कम।